आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 13 जून 2024 को लगभग 10:30 बजे एक आसिफ नगर एक्स रोड के पास एक इंसिडेंट हुआ, जहां पे जो इस केस में डिसीज्ड है मोहम्मद कुतुबुद्दीन को 5 लोगों ने अटैक किया और बुरी तरह से मार करके स्टैब करके उसका मर्डर किया। इसमें 5 अक्यूज्ड हैं, A1 सैयद ताहिर, A2 सैयद इमरान, A3 सैयद अमन, A4 सैयद मुजफ्फर और A5 शेख जावेद। ये 5 लोगों को आसिफ नगर पुलिस और टास्क फोर्स ने बहुत ही जल्दी पकड़ के ये साबित कर दिया है कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट होगा जहाँ पे ये राउडी एलिमेंट्स और इस तरीके की गलत तरीके से लोगों को मारा जाएगा और राउडिज्म किया जाएगा, तो तुरंत हैदराबाद पुलिस इसमें एक्ट करेगी और जल्द से जल्द इन अक्यूज़ को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगी। इस बारे में केस रजिस्टर हुआ था क्राइम नंबर 305 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 302 रेड विथ 34 IPC एंड 25 ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट। की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और CCTV वेरिफिकेशन के बाद ये 5 अक्यूज़ का नाम इसमें सामने आया है और इन 5 अक्यूज़ को पकड़ के अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस कलेक्ट करके डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के ये केस चार्जशीट किया जाएगा और ये ज़रूर हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में हमें कन्विक्शन आए। रिसेंटली बहादुरपुरा के एक केस में 3 राउडीज़ जो राउडी शीटर हैं काला पत्थर के, उनको लाइफ कन्विक्शन आया है। इसी तरह इस केस में भी यही कोशिश की जाएगी कि कड़ी से कड़ी सज़ा इन 5 अक्यूज़ को दी जाए। ये एक क्राइम नंबर 264 ऑफ 2023 चंद्रा वाइंस आसिफ नगर में हुआ था, जहाँ पे मर्डर केस था ये भी, जिसमें जो जिसकी मौत हुई थी उसका नाम मुजाहिद था और उस टाइम पे इसके मौत के जिम्मेदार जो एक्यूज लोग थे उसमें A2 कुतुबुद्दीन था और इसी मौत का बदला लेने के लिए, मर्डर का बदला लेने के लिए A1 टू A5 ने ये कॉन्स्पायरेसी करके 13 तारीख की रात इसको मर्डर किया है। रीज़न क्या था इसके पीछे, मतलब कुछ बदले का रीज़न था, बदले का रीज़न था कि उनके भाई को मारा गया है, इसलिए इसमें जो हमारे A1, A2 और A4 ताहिर इमरान और मुजफ्फर ये तीनों आपस में भाई हैं, A3 अमान जो है इनका बाबा बोलते हैं जो वो है, और A5 जावेद इनका फ्रेंड है, इन सब ने मिल के वो प्रीवियस मर्डर का बदला लेने के लिए ये कॉन्स्पायरेसी रची और इसको बुरी तरह से मार दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर अटैक करने के टाइम पे पुलिस वहाँ मौजूद होती तो जरूर इसको रोका जाता और हर तरीके से इस ये मर्डर नहीं होता। 5 अक्यूज़ नशे की हालत में थे या नॉर्मल थे? कुछ लोग अल्कोहल टेस्ट, उनका FSL और अल्कोहल टेस्ट किया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ये वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। मतलब चंद दिन पहले साउथ वेस्ट में कुलचंद्रा पुलिस स्टेशन में एक और मर्डर हुआ था, उसकी भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई पता नहीं की गई, जबकि 5 बजे मर्डर